एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, लड़की वालों ने बुलाया, आ जाओ भाई बैठो, बातचीत हुई तो नहीं पसंद आया लड़के लड़की के अब्बा को। तो ये लड़का जब घर गया तो लड़की के अब्बा ने इसे फ़ोन किया, इसने फ़ोन उठाया, जी कौन? जी मैं वो बात कर रहा हूँ जिनकी बेटी के लिए आप आए थे। जी अंकल, भी बड़ा खुश हो गया ना कि शायद कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जी अंकल, बेटा मैंने आपको ये बताना था कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कोई बात नहीं अंकल, होता है, इंसान है, कभी कोई पसंद आता है कभी कोई नहीं आता। नहीं बेटा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि थोड़ा सा भी आदमी कोई पसंद आता है ना, किसी भी लिहाज कोई पर्सनैलिटी के लिहाज से, कभी किसी की आवाज़ अच्छी होती है, कभी किसी की तनख्वाह अच्छी होती है, किसी भी लिहाज से आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मुझे। चलें कोई बात नहीं अंकल, ठीक है कोई बात नहीं है, तो मुकद्दर में होता है, देखें मुकद्दर में तो रिश्ते होते हैं, देखें होते हैं रिश्ते, लेकिन कुछ तो होना आदमी में, किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच्छा ये मेरी वाइफ से बात करें, अब ये थोड़ा सा खुश हो गया, शायद वो इनकार तो चलो हो गया लेकिन कुछ पॉजिटिव बात कर। जी बेटा मैं आपको ये बताना चाहती थी, मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ, मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिर्फ मेरे शौहर का फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला। अब इसको ये हाइपर होना शुरू हो गया, तो भाई क्या हो गया, नहीं पसंद आया तो ठीक है ना, इनकार कर दो। देख बेटा, गुस्से होने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, इंसान कहीं से तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। बात ये कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आप मुझे। अच्छा इसने कहीं और भी निकाह का पैगाम भेजा हुआ था, वहां से हाँ, वहां के लिए फोन आने वाला था कि हाँ ओके हमारी तरफ से, कहीं और भी भेजा हुआ था। तो फिर लड़की ने खुद इसको फोन किया, कहता मेरी बेटी से बात करें। इसने कहा चलो यार, जिससे शादी होने वाली, शायद वो माँ बाप की मर्जी ना हो। उसने कहा मुझे भी आप बिल्कुल भी कहीं से पसंद नहीं है। पूरे रिश्तेदार ने मेरे, उस दिन मामू आए हुए थे, उनसे बात कर लो, उनको भी। फिर इसने गालियां देना शुरू की, गालियां देना ना, तबीयत से उल्लू के पट्ठो, और ये गालियां देने, इतने में कॉल आ गई जिनके हाँ से हाँ के लिए फोन आया। उन्होंने कहा बेटा आप हमारे लिए यहाँ रिश्ते के लिए आए थे? उसने कहा उल्लू के पट्ठो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो जो गालियां इसको आती थी, दे मार साढ़े चार, वो सुन रहे हैं। जब ये गालियां निकाल के खामोश हुए, कह रहे बेटा हमारी बात सुने, हम तो हाँ करने के लिए फोन कर रहे थे लेकिन आपके अखलाक हमें बिल्कुल भी पसंद। आपका ये जो अखलाक है ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से भी क्या है।